हाय फ्रेंड्स, मैं राम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ अजय देवगन की रेड फिल्म के बारे में, और वो भी 47 डेज का ट्रेड कलेक्शंस मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, इसका ट्रेड कलेक्शंस काफ़ी शानदार है और ये सभी को पता था कि प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से इसने 104 करोड़ के आसपास कमा लिए थे, 103 या 104 करोड़। और आई थिंक 4 से 5 हफ्ते के बाद हमें इसके कलेक्शन की कोई अपडेट नहीं मिले है अभी तक, और काफ़ी दिनों के बाद इसका ट्रेड अपडेट आ रहा है। ट्रेड अपडेट के हिसाब से इस फिल्म ने 90 करोड़ के थोड़ा सा ज़्यादा कलेक्शंस कर लिया है, कुछ गिने चुने थिएटर्स में है, 30-40 थिएटर्स में है मुश्किल से, और मिनिमम 20 है उसमें से थिएटर्स, बताया जा रहा है कि उसके ऊपर ही थिएटर्स में है। और अभी भी फिल्म चल रही है और कहा जा रहा है कि फ्राइडे को ये फिल्म 50 दिन पूरे कर लेगी, यानी कि मंगलवार तक का जो कलेक्शन है 47 डेज का, ये कलेक्शंस 98 करोड़ तक का आया है। ओवरसीज़ मार्केट में इस फिल्म ने लगभग 20 करोड़ के आसपास ही कमाई की है ग्रॉस कलेक्शंस के हिसाब से। और जहां तक सवाल है ट्रेड फिगर का कि क्या ट्रेड फिगर 100 करोड़ तक जाएगा, तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ये फिल्म जाएगी तो 99 करोड़ पर ट्रेड के हिसाब से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर प्रोड्यूसर्स फिगर की अगर हम बात करें, अभी तक शायद 104 तो मैंने आपको पहले बताया, 105 करोड़ तक का हो गया होगा प्रोड्यूसर्स फिगर, लेकिन कोई किसी के पास ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है तो इसलिए हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते। अदरवाइज मेरे हिसाब से प्रोड्यूसर्स फिगर 105 करोड़ के आसपास जाके हो गया होगा, यानी कि जो लाइफ टाइम कलेक्शन है अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ है और अभी भी काउंटिंग चालू है। लेकिन आई होप कहीं ना कहीं से हमें फाइनल फिगर प्रोड्यूसर फिगर भी पता चलेगा तो और मज़ा आएगा। लेकिन ट्रेड फिगर की बात करें तो 98 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा फिलहाल है, वो भी 47 डेज का। आई होप आप खुश होंगे इस खबर से। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ, अजय देवगन की एक और न्यूज़ है, आई थिंक शूटिंग के दौरान या कुछ उनके हाथ में काफ़ी कुछ पेन हो रहा है टेनिस एल्बो की वजह से। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो पेन है वो ज़्यादा ना हो और वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके और वापस से अपना जो शूटिंग वगैरह है वो चालू कर सकें। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय।